नमस्कार भारत मित्र लाइव में आपका स्वागत करती हूं। मैं हूं आपके साथ निशा मिश्रा। आइए देख लेते हैं आज की ताजा खबरें। बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र 50 किलोमीटर तक बढ़ाए जाने को लेकर बुद्धिजीवियों की राजनीति शुरू हो गई है। आज से दिल्ली के 4 दिवसीय दौरे पर ममता बनर्जी है पीएम मोदी से कर सकती है मुलाकात। 1971 के युद्ध की याद में भारत बांग्लादेश सीमा के संयुक्त साइकिल दल का अभियान पूरा हुआ। बैंक ऋण घोटाले में ईडी ने कोलकाता की कंपनी की 42 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया है। एसबीआई से लिया गया था 164 करोड़ रुपए का ऋण। सीएम ममता बनर्जी के निर्देश के साथ शुरू हुआ माँ फ्लाईओवर के नाम के बोर्ड को सजाने का कार्य। ममता बनर्जी को झटका, कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल स्कूल भर्ती अनियमितताओं की सीबीआई जांच का आदेश दिया है। टीएमसी में शामिल होंगे राहुल के करीबी अशोक तंवर। बिहार से कृति आजाद भी कांग्रेस छोड़ सकते हैं। गरफा के एक फ्लैट से छत से मिली है एक महिला की फंदे से लटकती लाश, जांच में जुटी है पुलिस। एसएससी ग्रुप डी की नियुक्ति पर हाईकोर्ट के निर्देश को राज्य सरकार ने दी है चुनौती। सरकारी बैंक की सीआईटी रोड शाखा से 45 लाख का गबन, 7 लोग गिरफ्तार। कोविड को लेकर बड़ा फैसला, बंद हो रहे हैं कोविड अस्पताल और सेफ सेंटर। ममता बनर्जी के दिल्ली जाने पर दिलीप घोष ने कसा है तंज, कहा है सीएम का वक्त खराब है इसलिए दिल्ली पहुंची है। आज हो सकता है कोलकाता व हावड़ा नगर निगम चुनाव का ऐलान। केजरीवाल ने पंजाब के शिक्षकों से किया है वादा, कहा है सरकार बना तो परमानेंट कर दूंगा। दिल्ली पहुंची ममता, आज सोनिया गांधी से नहीं मिलेंगी, जावेद अख्तर से 2 बजे हो सकती है मुलाकात। मनीष तिवारी की किताब के दावे पर बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस की विफलता का कबूलनामा है ये। चारा घोटाला मामले में पटना के सीबीआई कोर्ट में आज सुनवाई होगी, पेश होंगे लालू प्रसाद यादव। सूत्रों की खबर के अनुसार कांग्रेस नेता कीर्ति आजाद आज तृणमूल कांग्रेस में हो सकते हैं शामिल। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 7,579 नए केस आए हैं तो 336 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। शेयर बाजार में भारी गिरावट, सेंसेक्स 482 अंक टूटकर खुला। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी की किताब में लिखा है मुंबई हमले के बाद भारत को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए थी। यूपी चुनाव के लिए शिवपाल ने अखिलेश यादव के सामने रखी है शर्त, कहा है 100 सीटें मिलने पर ही गठबंधन संभव। केरल के पलक्कड़ में आरएसएस कार्यकर्ता के हत्या मामले में पीएफआई के नेता गिरफ्तार। दिल्ली में साइबर क्राइम पर लगाम लगाने के लिए 15 जिलों में बनेंगे साइबर पुलिस स्टेशन। दिल्ली की आबो हवा अब भी बेहद खराब, AQI पहुंचा 315। यूपी के जेवर में पीएम मोदी की रैली के लिए बना है 12 लाख वर्ग फीट का टेंट, 2.5 लाख लोगों की जुटने की उम्मीद। लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज करेंगे राम गोपाल यादव की पुस्तक का विमोचन। संसद के शीतकालीन सत्र की रणनीति तय करने के लिए 25 नवंबर को होगी कांग्रेस संसदीय रणनीति समूह की बैठक। बांग्लादेश सशस्त्र सेना दिवस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया बांग्लादेश उच्चायोग का दौरा। त्रिपुरा हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, आज सीएम ममता पहुंची दिल्ली। मध्य प्रदेश में पहली से लेकर 12वीं तक की कक्षा के 100% क्षमता के साथ खुलेंगे स्कूल। औरंगाबाद के जोहाड़ में हथियारबंद दस्तों ने मोबाइल टावर और पंचायत भवन को उड़ाया। राजस्थान में कैबिनेट विस्तार के बाद गहलोत सरकार के मंत्रिपरिषद की पहली बैठक आज। आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की अपडेटेड खबरों के लिए देखते रहिए भारत मित्र लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।